सरकार जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। नकली पनीर का सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों की माने तो सिंथेटिक दूध और पनीर की वजह से महिलाओं में गर्भपात की आशंका होती है। जहरीले केमिकल के कारण गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की आशंका होती है। जहरीला पनीर डायबिटीज, स्टोन, थायराइड की समस्या के अलावा लीवर और किडनी की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। इसकी वजह से लोगों में गैस की समस्या होती है, किडनी में स्टोन्स होते हैं, यह आपके दिमाग को डैमेज कर सकता है, साथ ही आंखों की रोशनी भी आपकी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि त्योहार के समय पर मिलावटी दूध से जो पनीर तैयार होता है, खोया तैयार होता है, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। मुख्य तौर पर इसमें यूरिया, फॉर्मेलिन, न्यूट्रलाइजर्स, सॉल्ट, डिटर्जेंट आदि का प्रयोग आपके किडनी और लिवर को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक समस्याएं यानी कि खट्टी लतारे आना, खाना ना पचना, लूज स्टूल, लैट्रिन पतली आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा समय तक इस तरह के हानिकारक पनीर, मिलावटी पनीर का इस्तेमाल गैस्ट्रिक कैंसर तक कर सकता है। मुनाफाखोर पैसों की लालच में देश की लाखों जनता को सैर परोस रही है। दूध से बनने वाले पनीर को ये सिंथेटिक दूध के पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर उसके घोल में पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल मिक्स करके इसे बेकिंग पाउडर के साथ मिलाकर बनाते हैं और फिर इसे बर्तनों में जमा कर NCR के बाजारों में पेश किया जाता है। हालांकि इस पनीर का स्वाद काफी अलग होता है और ये रबड़ की तरह हो जाता है। हमारे मेवात में करीब 30-35 फैक्ट्री है। मेवात में पनीर की करीब 30-35 कंपनी होने के साथ साथ केमिकल द्वारा पनीर बनता है, जिससे केमिकल से बनने से हमारे दर्शकों जो खाना चाहते हैं वो बीमार हो जाते हैं और आम जनता इसलिए परेशान है। गांव में उसका पनीर का पानी वगैरह निकलता है, उससे बीमारी वगैरह फैलती है, डेंगू वगैरह बीमार होते हैं। अगर वो लोग गांव वाले कहते हैं उनसे कि भाई ये पानी आ रहा है, इसी को रोक लो, इसको बंद कर दो, तो उनको धमकी देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। बेचारे तो क्या करे बताओ, अन्य प्रशासन कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। मेवात में पनीर फैक्ट्री लगी हुई है, ये यहाँ माल तैयार होता है, माल तैयार होकर सीधा बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, NCR, फैजाबाद, गुड़गांव, अलवर, बड़े बड़े शहरों में इसकी सप्लाई की जाती है। जो ये माल जाता है बिना चेकिंग के और बिना शुद्ध होते हुए सीधा सप्लाई डायरेक्टर होता है, जो की जनता के साथ सीधा खिलवाड़ होता है। और जो मेवात में बड़े बड़े फैक्ट्री लगी हुई है, इनका किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है। जिस भी गाँव में रोड पे इनका वहां से निकालना जीना दुम्बर हो जाता है, बदबू आती है, पूरी बीमारियों का भी कारण बना होता है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। और जो भी जब बड़े बड़े हरियाणा के मेवात जिले से कई टन मिलावटी पनीर आखिर बनता कैसे है और प्रशासन की आंख के नीचे आखिर इस जिले से बाहर कैसे पहुंचाया जाता है? अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क होते तो शायद ये कारोबार रुक गया होता। हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले दूषित और मिलावटी पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए फूड सेफ्टी एक्ट बनाया था, लेकिन मुनाफाखोरों और प्रशासन के बीच तालमेल पर हरियाणा सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? यदि मुनाफाखोरों और प्रशासन के बीच चल रही ये डील यूं ही जारी रही तो NCR और आसपास के क्षेत्र के लोग भयंकर बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। पनीर खाने के शौकीन वालों के लिए पनीर कितना खतरनाक हो सकता है, ये देखने को मिला हरियाणा के जिला मेवात में। सबसे अहम बात है कि 30-35 कंपनियां इस तरह के कारोबार को चला रही हैं और अपने फायदे के लिए आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं, ये सोचने का विषय होगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में शायद मेवात का पूरा एरिया क्या NCR भी कई बीमारियों को चपेट में होगा। मेवात से पवन शर्मा के साथ रोशन भारद्वाज।